हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेयसी कोलकाता से। सो जो लोग मेरे चैनल में पहले से जुड़े हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, और हाल ही में मैं अभी बेबी केयर रिलेटेड वीडियोस भी बना रही हूँ अपने इस चैनल पर, क्योंकि मैं खुद अभी मॉमी बनी हूँ कुछ टाइम पहले ही। सो मेरा जो अभी करेंट एक्सपीरियंस है, जो मैं खुद अभी इस दौर से गुजरते हुए मैं सीख रही हूँ, जान रही हूँ और मेरे डॉक्टर से पता कर रही हूँ, वही मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी, अगर इस जर्नी में मेरे साथ है तो आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर कोई डाउट है इस रिलेटेड तो आपको भी वो क्लियर हो जाए। सो इसलिए मैं इस रिलेटेड भी वीडियोस बनाती हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट पे एक बेबी केयर अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी इस रिलेटेड वीडियोज़ बना चुकी हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो भी एक बेबी केयर वीडियोज़ ही है, जिसमें मैं आप सबके साथ बात करूँगी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग काफ़ी बार इसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं या फिर नहीं पूछते हैं, शाय फील करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बेबी है वो पहला जो फूड उसका है वो ये ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। हालांकि बहुत जन टॉप फीड भी कराते हैं जैसे फॉर्मूला फीड, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जो है इनिशियल 6 मंथ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेबी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। सो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बेबी को ब्रेस्ट फीड ही दे। सो इसके रिलेटेड आज मैं आप सबके साथ बात करूंगी कि आप अपने साइड से क्या कर सकते हैं अपने हेल्थ के साथ, ताकि आपका भी फ्लो जो है मिल्क फ्लो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपके बच्चे को भी अच्छा सा ब्रेस्ट मिल्क मिले और आपका बेबी भी। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग के मन में होता है कि एडिक्वेट मिल्क उसको मिल रहा है कि नहीं, या फिर कितना बार फीड कराना चाहिए, कम तो नहीं पड़ रहा है मिल्क, और ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं। सो इस रिलेटेड भी जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस है वो सब भी मैं आज का इस वीडियो में आप सबके साथ क्लियर करूंगी, ताकि आप लोगों को भी ओवरऑल एक अच्छा गाइड मिले, अच्छा एक पूरा नॉलेज मिले। सो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आज का ये वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, हेल्पफुल और यूजफुल लगेगा, सो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे कि आपको कितना बार बेबी को फीड कराना चाहिए। सो ये कोई भी इस तरीके का फिक्स नंबर या इस तरीके का कुछ भी नहीं है। ये बोला जाता है कि फीड ऑन डिमांड, सो जितना बार भी आपका बेबी जो है वो डिमांड करेगा मिल्क के लिए, आपको उतना बार फीड कराना चाहिए। सो अगर आपका बेबी डिलीवर होने के बाद इनिशियली हम लोग को होता है कि मतलब मिल्क जो है वो फ्लो होने में मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत जन होते हैं पेशेंट हो जाते हैं, या फिर हम लोग उस टाइम पे सोचने लगते हैं कि बेबी भूखा रह रहा है, सो इसलिए हम लोग जो है तुरंत फॉर्मूला फीड चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क दोनों का जो है वो जो थिकनेस होता है और जो टेस्ट होता है वो दो डिफरेंट होता है। सो उससे जो है बेबी कन्फ्यूज हो जाता है। सो हम लोग को तुरंत इस तरीके से शिफ्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग को पहले जो है कोशिश करना चाहिए ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाने के लिए। सो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि इनिशियल डेज में आपके फ्लो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, सो उस केस में आप जो है बार बार बेबी को फीड कराइए, जितना बार भी बेबी डिमांड कर रहा है उतना बार फीड कराइए, क्योंकि इससे जो है ऑटोमेटिकली बेबी जब सक करेगा, मतलब ब्रेस्ट मिल्क जब आप उसको पिलाएंगे, सो ऑटोमेटिकली आपके जो हॉर्मोन्स है वो उसी तरीके से सीक्रेट होना स्टार्ट होगा, और उसी फ्लो में फिर धीरे धीरे जो है ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता जाता है, जबकि उसके बाद फिर है आप अकॉर्डिंगली आपके टाइम हो या फिर डिमांड हो उस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आप जब बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं सो आपको जो है अच्छे से चेक करना होगा कि बेबी जो है अच्छे से लैश कर पा रहा है निपल को, नहीं तो क्या होता है कि उन लोगों को सक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, डिफ़िकल्ट उन लोगों को लगता है, सो इससे जल्दी बेबी थक जाता है, फिर वो अच्छे से दूध नहीं पी पाता है, थोड़ा देर पीने के बाद वो छोड़ देता है, इससे क्या होता है उसका पेट अच्छे से नहीं भरता है, थोड़ी देर बाद वो फिर से क्रैंकी हो जाता है, रोने लगता है, तो हम लोग को लगता है कि वो अभी तो फीड कराया था फिर वो क्यों मांग रहा है मिल्क, या फिर वो क्यों रो रहा है। सो इसका जो कारण है कि वो अच्छे से जो है निपल वो सक नहीं कर पा रहा है। सो जब भी आप फीड करा रहे हैं आप देखिए कि वो पूरा अच्छे से जो है पूरा आपका निपल एरिया वो पूरा मुंह के अंदर जाना चाहिए, ताकि जो है बेबी अच्छे से पूरा सक कर पाए और पूरा जो मिल्क हो वो अच्छे से बेबी के मतलब बेबी इनटेक कर पाए, ताकि जो है एक ही बार में पूरा अच्छे से उसका पेट जो है वो भर जाए।
थर्ड पॉइंट जो है वो है कि आप जब भी ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं सो आप एट अ टाइम एक ही साइड से जो है फीड कराइए, क्योंकि जो है इनिशियली जब आप फीड करा रहे हैं तो वो जो है उसको बोला जाता है फोरमिल, जो कि थोड़ा सा पतला और लाइट होता है, और वो क्या होता है फर्स्ट मतलब 7 to 10 मिनट्स तक वही आपके बेबी को अंदर जाता है, मतलब बेबी जो मिल्क पी रहा है उसको फोरमिल्क ही जाता है। सो इससे क्या होता है थोड़ी देर बाद बेबी को फिर से भूख लग जाता है, या फिर 2-3 बार टॉयलेट करने के बाद उसका जो है पेट फिर से खाली हो जाता है और वो फिर रोने लगता है। सो इससे क्या होता है उसका जो स्लीपिंग है वो भी डिस्टर्ब होता है, बार बार वो इस तरीके से डिमांड करता है तो आपको भी रेस्ट नहीं मिलता है, और आप भी सोचते होंगे कि शायद उसका पेट नहीं भर रहा है, लेकिन वो उसका एक्चुअल रीज़न ये है कि वो जो आप जो है एक साइड से अगर ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हैं फिर आप स्विच कर रहे हैं तो दोनों ही साइड का जो फोर मिल्क है बेबी को सिर्फ वो जा रहा है अंदर में। सो जो कि वो बहुत ही पतला है तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, या फिर टॉयलेट होने के बाद बेबी को बहुत जल्दी भूख लग जाता है। तो आप जो है फर्स्ट 7 to 10 मिनट्स के बाद जो मिल्क निकलता है वो पहले फोर मिल्क से ज़्यादा रिच होता है, थिक होता है, क्रीमी होता है थोड़ा टेक्सचर में, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके बेबी का पेट जो है वो भर जाता है। सो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप फीड करा रहे हैं सो आप एक ही साइड के ब्रेस्ट से एट अ टाइम बेबी को अच्छे से फीड करा लीजिए एटलीस्ट 10 to 15 times। उसके बाद भी अगर आपके बेबी को भूख लगता है तो आप बेबी को अच्छे से पहले पूरा बर्प करा लीजिए और उसके बाद दूसरे साइड से आप फीड कराइए, ताकि जो है आपके बेबी को दोनों ही फोर मिल्क और उसके बाद जो वो थिक वाला मिल्क है दोनों ही उसके पेट में जा रहा है, ताकि जो है अच्छे से उसका पेट भरेगा और अच्छे से प्रॉपरली न्यूट्रिशन भी उसको मिलेगा। पॉइंट जो है बहुत जल्दी आप लोग देखिएगा कि जब भी आपका बेबी जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है काफ़ी टाइम हो जाता है कि वो ब्रेस्ट फीड करते करते सो जाता है, इसलिए आप जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपने बेबी को फील मत कराइए, नहीं तो है वो अच्छे से मिल्क नहीं पिएगा और उसका पेट अच्छे से नहीं भरेगा। और आप जो है उस टाइम पर कोशिश कीजिए कि बेबी को मतलब जगा के रखने के लिए उसके लिए आप जो है उसके चिन एरिया में इस तरीके से टिकल कर सकते हैं, या फिर कान के पीछे इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर उनका जो पैर है उसके नीचे इस तरीके से कर सकते हैं, ताकि आप जो है बेबी को मतलब हेल्प करें कि वो सोए ना और पूरा जो वो मिल्क पी रहा है वो एक ही टाइम पे पूरा अच्छे से वो मिल्क पी ले, उसके बाद बर्प करने के बाद फिर आप बेबी को सुलाइए, ताकि वो भी लंबे टाइम तक सो पाएगा, नींद भी पूरा होगा और आप भी उस टाइम पर अच्छे से रेस्ट कर पाएंगे। और ये जो बर्प है ये भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, हर एक फीड के बाद आप बेबी को बर्प ज़रूर कराइए, नहीं तो जो है अच्छे से मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है और फिर पेट में गैस फॉर्म हो जाता है, इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है, कॉलिक का भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप अच्छे से हर एक फीड के बाद बेबी को बर्प ज़रूर कराइए, और इस केस में आप ऊपर इस तरीके से बेबी को रख के पीछे इस तरीके से रब करके कर सकते हैं, या फिर आपके लैप में आप बिठा के हल्का सा सामने की तरफ टिल्ट करके चिन को इस तरह से आप पकड़ लीजिए, ताकि बिल्कुल भी उसको तकलीफ ना हो, और पीछे से इस तरीके से आप कर सकते हैं प्रेशर देके हल्का सा। तो ये दोनों पोजीशन में जिस भी वे में आपकी बेबी कंफर्टेबल है आप ज़रूर बर्प कराइए, उसके बाद आप उसको लेटाइए, और लेटाते वक्त भी आप जो है लेफ़्ट साइड करके कोशिश कीजिएगा अपने बेबी को सुलाने की, ताकि जो है उसका जो डाइजेशन होगा वो अच्छे से हो जाएगा और बहुत लंबे टाइम तक वो अच्छे से सो भी पाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है कि आप सोच सकते हैं कि आपके बेबी का जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, आपका जो बेबी एज के हिसाब से बढ़ रहा है तो उसके लिए आपका जो मिल्क है वो सफिशिएंट हो रहा है कि नहीं। सो उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है आप वो चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम अपने साइड से, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपका बेबी जो है वो ठीक है। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखिएगा कि एटलीस्ट आपका जो बेबी है मिनिमम 6 to 7 times यूरिन हो रहा है कि नहीं, अगर ये हो रहा है मतलब उसका जो बॉडी है वो अच्छे से हाइड्रेटेड है, इसलिए आपको टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर आप चेक कीजिएगा कि जो यूरिन हो रहा है वो ज़्यादा स्मेली ना हो, या फिर उसका जो है बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क कलर में ना हो, अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इमिडिएटली कंसल्ट
कीजिएगा। सेकंड पॉइंट है, आप देखिएगा कि अगर आपका बीपी अच्छे से एक्टिव है कि नहीं, बहुत ज़्यादा वो अगर इस तरीके से है कि एकदम मतलब ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ज़्यादा वो बहुत देर तक वो ऐसे लेजी मूड में है, बहुत मतलब वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये भी साइन होता है कि उसको मतलब हो सकता है कि अच्छे से उसका जो है सफिशियंट मिल्क उसको नहीं मिल रहा है उसके मतलब एज के हिसाब से। थर्ड पॉइंट जो है, आप देखिएगा कि उसका जो वेट है वो टाइम टू टाइम अच्छे से बढ़ रहा है कि नहीं। सो अगर वो वेट गेन ठीक से हो रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा कि है उसका जो है आपके मिल्क से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक से उसका जो है पेट भर रहा है। फोर्थ पॉइंट जो है, आप देखिएगा कि उसका स्किन कलर ज़्यादा पेल ना होना चाहिए, नहीं तो आपको समझना होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बेबी को, या फिर उसका अच्छे से पेट नहीं भर रहा है, या फिर वो भूखा है। तो ये अगर कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहा है आपके बेबी में जो कि विजिबल है, आप समझ पा रहे हैं बाहर से देख के, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। या फिर अगर देखिएगा कि बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, बार बार वो बहुत देर तक रो रहा है और दूध पीने के बाद भी वो बार बार इस तरीके से रो रहा है, तो भी आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उस केस में जो है, अगर आपके डॉक्टर आपको कुछ अलग से सजेस्ट करते हैं तो फिर मेडिसिन के हिसाब से या फिर फॉर्मूला फीड के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप अपने बेबी के साथ वो चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने साथ क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका जो मिल्क फ्लो है वो अच्छे से हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको करना चाहिए वो है कि आप जो है वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 87% वाटर होता है। सो इसलिए आपके खुद के बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस केस में आप जब भी बेबी को फीड करा रहे हैं, फीड के बाद आप तुरंत खुद भी उतना ही अमाउंट पानी पीजिए, एटलीस्ट 1 ग्लास फुल आप पानी पीजिए, या फिर अगर आप पूरा दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं सो एटलीस्ट आप 3 to 4 liters पानी ज़रूर पीजिए, ताकि जो है आपके ब्रेस्ट मिल्क को अच्छे से फ्लो होने में वो हेल्प करेगा। दूसरा है, आप डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, आप खुद भी बहुत अच्छे से अच्छा डाइट लेने की कोशिश कीजिए इस टाइम पे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं सो आप फिश, एग, चिकन इस तरीके से बहुत अच्छे से प्रोटीन ले सकते हैं, इसके साथ आप अच्छे से घी खा सकते हैं, दाल, पनीर इस तरीके से। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसके साथ न्यूट्रिला, फिर राजमा, दाल इस तरीके से आप जो भी है जो अच्छा न्यूट्रिशन होता है, ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ताकि आपको खुद को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, ताकि तो कि आपका जो है ब्रेस्ट मिल्क होने में वो और ज़्यादा हेल्प करेगा। और बहुत जन होते हैं इस टाइम पे, हम जो लोग जो प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन करते हैं उसको रिड्यूस करने के जल्दी जल्दी चक्कर में हम लोग जो है डाइट करने लग जाते हैं कि हम लोग को वेट घटाना है, लेकिन इस टाइम पे जब आप अपने बेबी को फीड करा रहे हैं आपको खुद बिल्कुल भी डाइट नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ अपने मील से। आप उल्टा अच्छे से खाना खाइए, तभी जाके आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी फ्लो अच्छा होगा, और इसी तरीके से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने बेबी को फीड करा पाएंगे। नेक्स्ट जो है, आप खुद अच्छे से जो मिल्क प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं, जैसे आप डायरेक्ट मिल्क ले सकते हैं। अगर आपको मिल्क से प्रॉब्लम है तो आप सोया मिल्क ले सकते हैं, मिल्क रिलेटेड जो भी छेना वगैरह होता है, पनीर होता है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। आप कैल्शियम मेडिसिन ले सकते हैं, सो इससे भी आपका जो है ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है और आपके जो है ओवरऑल खुद का भी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ही आपका जो है बेबी भी उस तरीके से अच्छे से मिल्क उसको भी मिलेगा। फोर्थ जो पॉइंट है वो है, इस टाइम पे आप बिल्कुल भी खुद स्ट्रेस मत लीजिएगा, और आपका भी खुद जो है स्लीप पैटर्न, फूड जो आप ले रहे हैं वो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है, तो आप टाइम टू टाइम अच्छे से खाना खाइए, प्रॉपर 6 to 7 hours का स्लीप आप लीजिए, बिल्कुल भी आप फालतू का कोई टेंशन स्ट्रेस इस तरीके से मत लीजिए, नहीं तो वो भी इफेक्ट करता है बहुत जल्दी कि आपका ब्रेस्ट फ्लो कम होगा या ज़्यादा होगा उसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस टाइम पे आप बिल्कुल भी एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग मत कीजिएगा, या फिर जो है आप अल्कोहल इंटेक बिल्कुल मत कीजिएगा, या फिर फालतू का कोई भी अलग से मेडिसिन वगैरह इस तरीके से आप इस टाइम पे नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो ब्रेस्ट मिल्क के बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और आप इस टाइम पे ध्यान रखिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसी से ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है, और वही आपके बेबी का भी मेन फूड है, वही उसको भी जा रहा है, उसके हेल्थ को भी ये चीज़ इफेक्ट करेगा, इसलिए ये
सारी चीज़ें आप बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बाहर का फूड या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड इस तरीके से भी मत इंटेक कीजिएगा, नहीं तो वो भी आपके बेबी के जो हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसके ऊपर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है फ्लो कम हो रहा है या फिर और आपको हेल्प चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है इस टाइम पे डिफरेंट सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं या फिर मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप खुद से बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए कुछ भी इस टाइम पे मत लीजिए, क्योंकि बेबी जब छोटा है तो उसके हेल्थ के साथ हम लोग को कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। सो आप जो भी इस टाइम पर ले रहे हैं उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके बेबी को भी पड़ेगा। सो अगर इनकेस आपको कुछ भी इस तरीके से हेल्प लेना है सो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके पता करके उसके बाद ज़रूर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप कर सकते हैं कि इस टाइम पे आप जो है अच्छे से बॉडी मसाज ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आपका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है। सो उससे भी आपका जो है ब्रेस्ट मिल्क ऊपर नीचे होने में वो हेल्प करता है। सो आप जो है प्रॉपर इस तरीके से कोई अगर आपको मिलेगा जो प्रॉपर मसाज देना जानता है सो इससे भी आप कर सकते हैं ट्राई। सो उससे भी जो है आपके काफ़ी आपको फ़र्क मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी डायरेक्ट नहीं पी पा रहा है ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत सारे टाइम पे होता है बेबी के साइड से या आपके खुद के साइड से, उसमें भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डायरेक्ट अगर नहीं पिला पा रहे हैं लेकिन आपको ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है तो उस केस में जो है आप ब्रेस्ट पंप भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट करके भी बच्चे को पिला सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं खुद अपने डॉक्टर से पता करके फिर आपको बता रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इस केस में जो है आप अच्छे से जो कोई भी मार्केट में अभी बहुत तरीके से ब्रेस्ट पम्प जो है वो अवेलेबल है, कुछ जो है मैनुअल होते हैं, कुछ जो है इलेक्ट्रिक वाला होता है, आप कुछ भी उस तरीके से ले सकते हैं। और इस टाइम पे हम लोग को बहुत बार लगता है कि डायरेक्ट अगर बेबी सक नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली फ्लो कम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं कि एक टाइम शेड्यूल आप मेंटेन कर सकते हैं कि उसी टाइम पे जो है आप जो ब्रेस्ट पम्प है उससे मिल्क एक्सट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका जो बॉडी का साइकिल है उसी तरीके से वो एडजस्ट हो जाएगा, उससे भी जो है आपका फ्लो कम नहीं होगा। इस केस में मैं मीमी का जो मैनुअल पंप है मैं खुद उसको यूज़ करती थी, सो वो मैं इस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो कुछ इस तरीके का है, सो इस तरीके का आपका वो पूरा सेट मिलता है। सो इसका जो प्राइस है वो 750 रुपीस है और ये मैनुअल पंप है। सो मैंने जो है पर्सनली ये यूज़ किया हुआ है, सो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इस तरीके से है जो पंप आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो है प्लास्टिक वाला एरिया है, सो इसके लिए आपको इस तरीके से एक कवर मिलता है। आप जब यूज़ नहीं करे हैं इस कवर को लगा के अच्छे से इसको रख सकते हैं। जब आप यूज़ कर और इसके साथ आपको इस तरीके का एक बॉटल भी मिलता है, सो इसको भी आप इस तरीके से बंद करके रख सकते हैं। जब आपको जो है इसको यूज़ करना है इसका जो लिड है आप ये ओपन कर लीजिए और ये जो पोर्शन है रबर वाला ये आप अपने ब्रेस्ट के साथ अच्छे से इस तरीके से फिक्स कर लीजिए और ये जो है मैनुअल इस तरीके से आपको इस तरीके से प्रेस करते हुए जो है निकालना होगा मिल्क। और यहाँ पे जो है एरिया है ये इसके साथ आप जो है बॉटल का जो वो कैप और निपल एरिया है इसको आप ओपन कर लीजिए और ये जो है इसको आप इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लीजिए। अब ये आप प्रेस के साथ इसको करके और यहाँ से जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से होते हुए ये पाइप से होते हुए इस बॉटल में जो है आपका मिल्क स्टोर होता जाएगा। सो इस के बाद आप इसको इस तरीके से ओपन करके निपल जो है वो लगा के और इसके साथ आप जो है बेबी को फीड करा सकते हैं। तरीके का कोई भी अगर आप ब्रेस्ट पंप वगैरह यूज़ कर रहे हैं सो आप इस केस में हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा जर्म्स हो सकता है या फिर बैक्टीरिया जा सकते हैं जिससे आपके बेबी के हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सो जब भी आप यूज़ कर रहे हैं सो ये एक टाइम यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से आप वॉश ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए जो भी आपका बेबी बॉटल क्लिनज़र आता है उससे आप इसको जो है अच्छे से वॉश कीजिएगा, उसके बाद आप इसको स्टेरिलाइज भी कीजिएगा। आप जो ट्रेडिशनल वे आता है गर्म पानी में उससे भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं या फिर जो स्टेरिलाइजर रहता है जैसे मैं यूज करती हूँ फिलिप्स एवेंट का स्टेरिलाइजर, उसका भी डिटेल मैंने वीडियो इससे पहले शेयर किया हुआ है, मेरा जो फीडबैक है सो वो भी वीडियो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो उसमें भी जो है आप इसको अच्छे से स्टेरिलाइज कर लीजिए हर एक पार्ट को पूरा अच्छे से ओपन करके और नेक्स्ट टाइम अच्छे से वो जो स्टेरिलाइज हो जाएगा उसके बाद आप यूज कीजिए, ताकि जो है इस
जिसके थ्रू कोई भी जर्म्स आपके बेबी तक ना पहुंच पाए। तो ये जो ब्रेस्ट पम्प है ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, कोई भी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोई भी इस तरीके से ऑनलाइन वेबसाइट में या फिर ऑफलाइन स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा जो लव लैब का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया रिलेटेड ब्रेस्ट फीडिंग। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो इस तरीके का यूज़फुल वीडियो के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे कोई नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।